पहला इंटरव्यू एक ऐसा है कि जिसको करने से पहले मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। आशा जी, यू कांट बिलीव, आप माइक ले लीजिए। जी क्या कहूं? आशा जी, आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। सवाल आपसे मैं क्या पूछूं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी बायोग्राफी आई द हिट गर्ल, 1952 में आपकी पहली फिल्म आई थी और अब 2023 चल रहा है, 71 साल का आपका ये जो सफ़र है इसको आप कैसे देखती हैं? काफ़ी लंबा सफ़र रहा और मैं मतलब हर डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग में मैं रही हूँ। शुरू करूँ तो पहले मैं डांसर थी, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर जी। फिर मैं हीरोइन बनी, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद प्रोड्यूसर बनी, उस दौरान में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी और उसके बाद मैं सेंसर बोर्ड की चीफ बनी। तो आई थिंक सभी कुछ कवर कर लिया। लेकिन एक चीज़ आपको मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ, एक फिल्म निर्देशक ने आपको कहा था कि आप स्टार मटेरियल नहीं है, सिर्फ 11 रुपए में आपको अपनी पहली फिल्म करनी पड़ी थी, कुछ याद आया आपको? जो बुरी चीज़ें होती है ना वो याद नहीं रखनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्री में आप जिसे कहते हैं हिट गर्ल के नाम से जानी गई, तो वो डायरेक्टर जब मिला तो आपने पूछा नहीं उससे कि मिले तो होंगे आपको कभी? हाँ बिल्कुल मिले, ही केम एंड उन्होंने ऑफर किया कि एक फिल्म करें मेरे साथ, उनके साथ, और उस पिक्चर के हीरो मनोज कुमार जी थे, लेकिन किसी वजह से मनोज जी कर नहीं पाए और वो पिक्चर बनी नहीं। उनकी नीयत ठीक नहीं थी इसलिए फिल्म नहीं बन पाई। ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आप राजेंद्र कुमार के साथ आप रही और राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार कहा जाता था और आपको भी जुबली स्टार कहा जाने लगा जी, क्या आपको लगता है कि वो एक दौर था और उस दौर के अंदर कहीं ना कहीं हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता था एक्टर्स के आगे? हाँ, क्योंकि आमतौर पे फिल्म्स जो बनती थी उसमें हीरो का महत्व ज़्यादा होता था जी, लेकिन अब वो वक्त चेंज हो रहा है और अच्छी कहानियाँ बन रही है और हीरोइंसों को भी अच्छे रोल मिल रहे हैं। आपने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया, देवानंद जी के साथ काम किया, शम्मी कपूर के साथ काम किया, धर्मेंद्र जी के साथ काम किया, अधिकतर जितने सुपरस्टार्स रहे उनके साथ आपने काम किया, तो मैं अगर आपसे पूछूं केमिस्ट्री आपकी किससे ज़्यादा अच्छी रही? सभी के साथ अच्छी रही है, ऐसे कोई एक अगर चुनना हो तो? नहीं, सभी के साथ अच्छा रहा। शम्मी जी के साथ क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, इसलिए शम्मी जी के साथ काम करने का एक रैपो था तो अच्छा लगता था। वो एक गानों का भी दौर था, तब कुछ ऐसे गाने आते थे जो कि लोगों को आसानी से याद हो जाते थे और ऐसा लगता था कि उन गानों का जो पिक्चराइजेशन है वो भी बड़ा सरल ढंग से होता है। आज के दौर में बोल भी कठिन होते हैं, पिक्चराइजेशन तो गजब की है, तो कुछ एक डिफरेंस आप देखती हैं उस युग में और आज के युग में? तब तो वैनिटी वैंस भी नहीं होती थी। हाँ, काफ़ी फर्क हो गया है, जैसे हम लोग बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हैं, हमारी हीरोइंस के कपड़े जो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर वेस्टर्न होते हैं, साड़ियाँ और सलवार कमीज तो होती नहीं है। तो वक्त चेंज हुआ है, म्यूज़िक चेंज हो गया है, लिरिक्स चेंज हो गए हैं, तो काफ़ी फ़र्क हो गया है। इस बदलते वक्त को आप कैसे देखती हैं, आज की फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? मुझे संगीत तो नहीं अच्छा लगता है। संगीत नहीं अच्छा लगता? नहीं, क्योंकि ज़्यादा रिदम होती है, गाने के वर्ड्स जो है सुनाई नहीं देते हैं, तो आई फील के उस वक्त के गाने आज भी आप, मुझे लगता है आप सब सुनते होंगे, मैं सही कह रही हूँ ना?
पहले के गाने अभी भी बजते हैं, अभी भी सुनते हैं लोग, तो क्यों? एक गाना मुझे याद आ रहा है, अगर मैं बोल सही बोल रहा हूं तो, पर्दे में रहने दो पर्दाना उठाओ जी। इस गाने को लेकर ऐसा था कि ये गाना अटपटा लगा था, आपको अटपटा लगा था या लता जी को अटपटा लगा था? नहीं, लता जी को लगा था। लता जी ने ना कहा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, और इसीलिए आशा भोसले जी। क्यों क्यों लगा था अटपटा? पता नहीं, उनको लगा कि मैं ये गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि उनको उनके शब्द में अच्छे लगे थे। कुछ और गाने भी मैंने नोट करे हैं, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, जब चली ठंडी हवा, तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप, क्योंकि मेरे सारे गाने हिट हुए हैं, तो ये कहना कि ये गाना अच्छा है, ये वो गाना अच्छा है, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपको गाना कौन सा फिर भी पर लोग